हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में राजस्थान सीईटी 2023 की परीक्षा के लिए पिछले वर्ष के पेपर की एक और टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे। ये पेपर आपका एसीएफ फर्स्ट का पेपर रहने वाला है। ये हमारी टेस्ट सीरीज तीसरी रहेगी। इससे पहले मैंने इसकी दो टेस्ट सीरीज अपलोड कर दी हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन दोनों वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, और मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है। तो चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहाँ पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। जब आप नोटिफिकेशन बेल ऑन करेंगे तभी मेरे नए नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुँच जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन रहेगा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष थे हीरालाल शास्त्री। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सही युग्मों को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो सही आंसर हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन। अब देखिएगा मिलान कैसे करना है। कतियासर बीकानेर का जिस नाची से हो जाएगा, और चाकसू जयपुर का मिलान, शीतला जी, मुकाम नोखा जाम्बो जी, और जीण माता रेवासा सीकर। तो इस प्रकार से आप मिलान कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध भर्तृहरि मेला जो है ये कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो प्रसिद्ध भर्तृहरि जो मेला है गाइस, ये आयोजित किया जाता है अलवर जिले में। सही आंसर हो जाएगा दूसरा वाला ऑप्शन। चौथा क्वेश्चन, अली पक्षी ख्याल कौन से क्षेत्र में प्रचलित लोक नाट्य शैली है? सही आंसर हो जाएगा तीसरा वाला ऑप्शन। अली पक्षी ख्याल जो है ये अलवर क्षेत्र में प्रचलित लोक नाट्य शैली है। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराओं की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? सही आंसर हो जाएगा दूसरा वाला ऑप्शन। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराओं की सहायता के लिए करौली राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी। छठा क्वेश्चन देखेगा क्या है। छठा क्वेश्चन है, मारवाड़ रा परगना री विगत के लेखक हैं कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा तीसरा वाला ऑप्शन। मारवाड़ रा परगना री विगत के लेखक हैं मुंहतोड़ नरसिंह। अगर आप लोगों ने फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम दिया होगा तो ये क्वेश्चन फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है इसी बार। सातवां क्वेश्चन, वर्ष 1628 ईस्वी में मेवाड़ में रागमाला चित्रांकन को किसने चित्रित किया था? तो सही आंसर हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन। वर्ष 1628 ईस्वी में मेवाड़ में रागमाला चित्रांकन को साहेब दीन ने चित्रित किया था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज प्रसाद चीतर पैलेस के नाम से विख्यात है? तो सही आंसर हो जाएगा दूसरा वाला ऑप्शन। उम्मेद भवन पैलेस जोधपुर चीतर पैलेस के नाम से विख्यात है। नवा क्वेश्चन, 1948 में निम्न चार राज्यों को जोड़कर मत्स्य संघ का निर्माण किया था? तो सही आंसर हो जाएगा चौथा वाला ऑप्शन। 1948 में अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली को जोड़कर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित दुर्गों में से किसे यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित किया है? सही आंसर हो जाएगा तीसरा वाला ऑप्शन। गागरुण दुर्गों यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित किया है। ग्यारहवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से लोक नृत्य में किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है? सही आंसर हो जाएगा चौथा वाला ऑप्शन। वालर लोक नृत्य में किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। सो गाइस, बारहवां क्वेश्चन देखेगा, टफला व मिरी पहाड़ियां ये कहां स्थित हैं? सही आंसर हो जाएगा दूसरा वाला ऑप्शन। टफला व मिरी पहाड़ियां जो है गाइस, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। तेरहवां क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से किसने भारतीय मानसून व तिब्बतीयन पठार के बीच संबंध स्थापित करने का प्रयास किया? तो सही आंसर हो जाएगा तीसरा वाला ऑप्शन। पी कोटेश्वरम
भारतीय मानसून में तिब्बती एन पठार के बीच संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में काल बैसाखी वर्षा की सर्वाधिक घटित होने की अवधि है, तो सही आंसर हो जाएगा दूसरा वाला ऑप्शन। भारत में काल बैसाखी वर्षा की सर्वाधिक घटित होने की अवधि है मध्य मार्च मध्य अप्रैल। पंद्रहवा क्वेश्चन देखेगा, पंद्रहवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन से पठार प्रायद्वीपीय पठार प्रदेश में अवस्थित हैं, तो सही आंसर हो जाएगा तीसरा वाला ऑप्शन। बुंदेलखंड उच्च भूमि, मेघालय पठार, मालवा पठार और दक्कन पठार। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सोलहवा क्वेश्चन है कि शोला वन है, तो सही आंसर हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन, शोला वन है आद्र शीतोष्ण। सत्रहवा क्वेश्चन देखिएगा, भारत के कौन से भाग में सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र पाए जाते हैं, तो सही आंसर हो जाएगा दूसरा वाला ऑप्शन। भारत के मध्य एवं निचला गंगा मैदान में सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र जो है वो पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का कितना क्षेत्र गंभीर सूखे की पुनरावृत्ति की दशा से प्रभावित है, तो सही आंसर हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन। भारत का लगभग 16% क्षेत्र गंभीर सूखे की पुनरावृत्ति की दशा से प्रभावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, 19वां क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची वन में है वनस्पति प्रकार और सूची दो में है मुख्य वृक्ष। अब देखिए सुमेल कैसे करना है, तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिएगा सागवान, सागवान का हो जाएगा उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। सुंदरी, सुंदरी का हो जाएगा मैग्रोव वन। बबूल, उष्णकटिबंधीय कटीले वन। फिर इसके बाद आपका बसता है लास्ट वाला रोजवुड, तो रोजवुड का हो जाएगा उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन। तो इस प्रकार से आप सुमेल कर सकते हैं। 20वां क्वेश्चन देखेगा क्या है गाइस, सीकर झुंझुनू एवं नागौर जिले राजस्थान के कौन सी कृषि जलवायु पेटी के अंतर्गत आते हैं, सही आंसर हो जाएगा दूसरा वाला ऑप्शन। सीकर झुंझुनू एवं नागौर जिले राजस्थान के अंत स्थलीय अपवाह के अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र में आते हैं। 21वां क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां गंगा नदी तंत्र का भाग नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा तीसरा वाला ऑप्शन, मोरेन नदी और याजम नदी। ये नदियां गंगा नदी तंत्र के जो है भाग नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। सो गाइस अगला क्वेश्चन, भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2017 के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में सर्वाधिक व न्यूनतम वन क्षेत्र पाया जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा दूसरा वाला ऑप्शन, उदयपुर चूरू। 23वां क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है, सही आंसर हो जाएगा चौथा वाला ऑप्शन, बनास बेसिन बांगड़ प्रदेश। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, दशकों से राजस्थान तांबड़ा उत्पादन में अग्रणी रहा है, इसकी खाने प्रमुखता ये कहाँ स्थित हैं, तो सही आंसर हो जाएगा चौथा वाला ऑप्शन। दर्शकों से राजस्थान तांबड़ा उत्पादन में अग्रणी रहा है, इसकी खाने प्रमुखता टोंक व अजमेर में स्थित हैं। 25वां क्वेश्चन देखिएगा, सुमेल करने के लिए बोल रहा है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों से उत्तर का चयन कीजिए। सूची एक में है ऊर्जा परियोजना, सूची दो में अवस्थिति। सुमेल कैसे करना, तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये करेक्ट हो जाएगा। देखिएगा फलौदी जोधपुर का मिलान बड़ला सोलर पार्क से हो जाएगा, ठीक है। बालूतरा बाड़मेर इसका मिलान अवशिष्ट ऊर्जा परियोजना से हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाता है देवगढ़ प्रतापगढ़, इसका मिलान पवन ऊर्जा परियोजना से। लास्ट वाला आपका बचता है खिवसर नागौर सौर ऊर्जा परियोजना। तो इस प्रकार से आप सुमेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 26वां क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले क्रमशः न्यूनतम ग्रामीण एवं शहरी दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर दर्शाते हैं, तो सही आंसर हो जाएगा दूसरा वाला ऑप्शन। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के कोटा, डूंगरपुर न्यूनतम ग्रामीण एवं शहरी
दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन, सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व ये कहाँ स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन। तो सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व जो है सिरोही जालौर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नवलखा झील राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा तीसरा वाला ऑप्शन। नवलखा झील राजस्थान के बूंदी जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भानगढ़ व सिरावा सीढ़ियाँ ये कहाँ पर स्थित हैं? तो सही आंसर हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन। तो भानगढ़ व सिरावा सीढ़ियाँ जो हैं ये उत्तरी अरावली में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा नगर भारत सरकार के सोलर सिटी विकास कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा चौथा वाला ऑप्शन। राजस्थान का उदयपुर नगर भारत सरकार के सोलर सिटी विकास कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? तो सही आंसर हो जाएगा चौथा वाला ऑप्शन। ए में क्या है, राजस्थान की 24.9% जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों में रहती है। और बी में क्या है, राजस्थान के शहरी क्षेत्रों का लिंगानुपात 914 है। सी में क्या है, राजस्थान में अधिकतम बाल लिंगानुपात बांसवाड़ा जिले में पाया जाता है। डी में क्या है, राजस्थान में सन 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या घनत्व में 35 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर बढ़ोतरी हुई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, मूल्यह्रास को यह भी कहते हैं, तो मूल्यह्रास को क्या कहते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा तीसरा वाला ऑप्शन। तो मूल्यह्रास को कहते हैं स्थिर पूंजी का उपभोग। मानव विकास रिपोर्ट 2018 के अनुसार विश्व के 189 देशों में मानव विकास में भारत की कोटि रैंक क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा दूसरा वाला ऑप्शन। मानव विकास रिपोर्ट 2018 के अनुसार विश्व के 189 देशों में मानव विकास में भारत की कोटि रैंक है 130। अगला क्वेश्चन, 2001 से 2011 के मध्य भारत में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर थी? तो सही आंसर हो जाएगा दूसरा वाला ऑप्शन। 2001 से 2011 के मध्य भारत में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर थी 17.7%। 35वां क्वेश्चन देखिएगा, भारत में वर्ष 2016-17 में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाले तीन राज्य कौन कौन से थे? तो सही आंसर हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन। भारत में वर्ष 2016-17 में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाले तीन राज्य थे, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद बराबर C1i+G+X-M सकल घरेलू उत्पाद की माप की निम्न विधियों में से इस विधि का चयन कीजिए। तो सही आंसर हो जाएगा दूसरा वाला ऑप्शन, व्यय विधि। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस कंपनी को वस्तु एवं सेवा कर के तंत्र के लिए प्रबंधित सेवा प्रदाता के रूप में नियुक्त किया गया है? सही आंसर हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन। इंफोसिस कंपनी को वस्तु एवं सेवा कर के तंत्र के लिए प्रबंधित सेवा प्रदाता के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY के अंतर्गत अपना उद्यम शुरू करने के लिए छोटी रकम के कर्ज स्वीकृत किए जाते हैं, अधिकतम रकम जो स्वीकृत की जा सकती है वह है? तो सही आंसर हो जाएगा दूसरा वाला ऑप्शन, 10 लाख रुपए। 39वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा दूसरा वाला ऑप्शन, कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है। 40वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, भूमंडलीय ऊष्मीकरण सम्मेलन के संदर्भ में UNFCCC का पूर्ण रूप क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन, भूमंडलीय ऊष्मीकरण सम्मेलन के संदर्भ में UNFCCC का पूर्ण रूप है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ओके, अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो सही आंसर हो जाएगा चौथा वाला ऑप्शन।
भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार वर्ष 2018-19 में स्थिर 2011-12 कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुसार राजस्थान की आर्थिक वृद्धि दर क्या थी? तो सही आंसर हो जाएगा दूसरा वाला ऑप्शन, 6.97%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 43वां, निम्न में से कौन सी राजस्थान की बकरी की प्रसिद्ध नस्ल है? तो सही आंसर हो जाएगा तीसरा वाला ऑप्शन, जखराना राजस्थान बकरी की प्रसिद्ध नस्ल है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन से शहर में रीको द्वारा स्थापित एग्रो फूड पार्क नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा चौथा वाला ऑप्शन, जयपुर शहर में रीको द्वारा स्थापित एग्रो फूड पार्क नहीं है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सेज के विकास के लिए निम्न में से कौन सी एक केंद्रीय प्रमुख एजेंसी है? तो सही आंसर हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन, राजस्थान में सेज के विकास के लिए RIICEO एक केंद्रीय प्रमुख एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माही बजाज सागर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो सही आंसर हो जाएगा दूसरा वाला ऑप्शन, माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। 47वां क्वेश्चन देखिएगा, आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार स्थिर कीमतों 2011-12 पर राजस्थान की 2018-9 के प्रति व्यक्ति आय थी? सही आंसर हो जाएगा तीसरा वाला ऑप्शन, 78,570। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा, राजस्थान के निम्न तापीय बिजली घरों में से किसकी प्रस्थापित क्षमता सर्वाधिक है? तो सही आंसर हो जाएगा चौथा वाला ऑप्शन, राजस्थान के छबड़ा ताप बिजली घरों में से प्रस्थापित क्षमता सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी योजना राजस्थान सरकार द्वारा प्रायोजित है? तो सही आंसर हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन, महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना राजस्थान सरकार द्वारा प्रायोजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मुख्यमंत्री राजश्री योजना समाज में बालिकाओं के प्रति सकारात्मक मनोवृत्ति विकसित करने तथा राज्य में उनके स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति में सुधार करने का प्रयास करती है, इस योजना के अंतर्गत कितना अनुदान दिया जाता है? सही आंसर हो जाएगा 50,000 रुपये का जो अनुदान है वो दिया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रकाशक लेंस बनाने हेतु प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो सही आंसर हो जाएगा चिकनी मिट्टी, प्रकाशक लेंस जो होता है चिकनी मिट्टी बनाने हेतु प्रयुक्त नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राजस्थान के तेल क्षेत्र का नाम नहीं है? सही आंसर हो जाएगा तीसरा वाला ऑप्शन, राजस्थान तेल क्षेत्र का नाम नहीं है लक्ष्मी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? सही आंसर हो जाएगा तीसरा वाला ऑप्शन, एंट अमीबा स्टोलाइटिका प्रोटोजोआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सही आंसर हो जाएगा दूसरा वाला ऑप्शन, वृद्ध व क्षतिग्रस्त लाल रुद्र कणिकाएं प्लीहा में नष्ट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हवा में पराशब तरंगों की जो चाल होती है, सही आंसर हो जाएगा चौथा वाला ऑप्शन, हवा में पराशब तरंगों की चाल हवा में शर्प ध्वनि तरंगों की चाल के समान होती है। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के द्वारा विकसित किया गया सबसे बड़ा उपग्रह प्रमोचक वाहन है? तो सही आंसर हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन, GSLV Mk2। राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड अभियान का भाग नहीं है? सही आंसर हो जाएगा चौथा वाला ऑप्शन, जनता नेट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रिस्टलीय ठोस है?
सही आंसर हो जाएगा तीसरा वाला ऑप्शन, सादा नमक जो कि एक क्रिस्टलीय ठोस है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व युग्म वायुमंडलीय दाब एवं 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? तो सही आंसर हो जाएगा दूसरा वाला ऑप्शन, ब्रोमीन एवं मरकरी तत्व युग्म वायुमंडलीय दाब 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, PSLV C-45 से 1 अप्रैल 2019 को EMISS-80 व 4 देशों के 28 अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। 4 देश व उनके उपग्रहों की संख्या कोष्टक में है। तो सही आंसर हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन, अमेरिका 24, लिथुआनिया 2, स्पेन 1, स्विट्जरलैंड 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, श्वेत फुसफुस कैंसर का मूल कारण है? सही आंसर हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन, श्वेत फुसफुस कैंसर का मूल कारण है एस्बेस्टोस। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तरोत्तर पोषक स्तरों में अविषाक्त की सांद्रता में वृद्धि कहलाती है? तो सही आंसर हो जाएगा दूसरा वाला ऑप्शन, उत्तरोत्तर पोषक स्तरों में आवश्यकता की सांद्रता में वृद्धि कहलाती है जैव आवर्धन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से विद्युत शक्ति का मात्रक नहीं है? सही आंसर हो जाएगा तीसरा वाला ऑप्शन, किलो वाट घंटा विद्युत शक्ति का मात्रक नहीं है। अधिकांश वीटी आविष कीट समूह विशिष्ट होते हैं, इस आविष को कोडित करने वाले जीन का नाम क्या है? सही आंसर हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन, अधिकांश बीटी आविष कीट समूह विशिष्ट होते हैं, इस आविष को कोडित करने वाले जीन का नाम होता है क्राई। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कार्बन के अपरूपों का चयन कीजिए? सही आंसर हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन, ग्रेफीन, फुलेरिन और कार्बाइन, सॉरी डायमंड, फिर इसके बाद कार्बाइन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंगलीय लवण है? तो सही आंसर हो जाएगा तीसरा वाला ऑप्शन, अमोनियम क्लोराइड एक अंगलीय लवण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पदार्थ की चौथी अवस्था माना जाना संदर्भित है? सही आंसर हो जाएगा चौथा वाला ऑप्शन, पदार्थ की चौथी अवस्था माना जाने वाला संदर्भित है प्लाज्मा में। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक रबर बहुलक है? सही आंसर हो जाएगा दूसरा वाला ऑप्शन, प्राकृतिक रबर बहुलक है आइसोप्रीन का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सुमेल करने के लिए बोला जा रहा है इसमें, आंसर मैं क्लियर कर देता हूं, चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा, मिलान कैसे करना, कर्नाटक का हो जाएगा पावागढ़ सौर पार्क से, ठीक है, फिर गुजरात का हो जाएगा चरंका सौर पार्क से, राजस्थान का भडला सौर पार्क से, और लास्ट आपका बचता है तमिलनाडु, इसका मिलान कामोती सौर पार्क से हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप मिलान कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर नीचे दिए गए कोटों की सहायता से सही कथनों का चयन कीजिए? तो सही आंसर हो जाएगा दूसरा वाला ऑप्शन, ए में क्या है, ग्रेफाइट ऊष्मा विद्युत का अच्छा चालक है, सी में क्या है, डायमंड ऊष्मा का अच्छा चालक परंतु विद्युत का कुचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अप्रैल से सितंबर 2020 तक राजस्थान की अर्थव्यवस्था के अर्धवार्षिक समीक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो सही आंसर हो जाएगा तीसरा वाला ऑप्शन, गैर कर राजस्व 45% गिर गया। अगला क्वेश्चन, एफएम प्रसारण के लिए आवर्ती बैंड होता है? सही आंसर हो जाएगा चौथा वाला ऑप्शन, एफएम प्रसारण के लिए आवर्ती बैंड होता है 88-108 MHz। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वर्ष 2020 के लिए गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सही आंसर हो जाएगा चौथा वाला ऑप्शन,
वर्ष 2020 के लिए गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार से स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन, किशन बाग एक नव निर्मित रेगिस्तान पार्क, ये कहाँ पर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन। किशन बाग एक नव निर्मित रेगिस्तान पार्क जो है ये जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजीविका पर एक मिशन की स्थापना करने वाला भारत का पहला राज्य है? तो सही आंसर हो जाएगा तीसरा वाला ऑप्शन। आजीविका पर एक मिशन की स्थापना करने वाला भारत का पहला राज्य है राजस्थान। अगला क्वेश्चन, पराक्रम दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा तीसरा वाला ऑप्शन। पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस की स्मृति में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के नवीन चरण के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही आंसर हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन, केवल कथन पहला सही है। योजना 1.10 करोड़ परिवारों को सुरक्षा प्रदान करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, DRDO ने 22 जनवरी 2021 को किस हथियार का सफल परीक्षण किया? सही आंसर हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन। DRDO ने 22 जनवरी 2021 को शॉप हथियार का सफल परीक्षण किया। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल फायर पावर सूचकांक 2021 के अनुसार वैश्विक सूचकांक में भारतीय सेना ने कौन सा स्थान अर्जित किया है? सही आंसर हो जाएगा तीसरा वाला ऑप्शन। ग्लोबल फायर पावर सूचकांक 2021 के अनुसार वैश्विक सूचकांक में भारतीय सेना ने चतुर्थ स्थान जो है वो अर्जित किया है। अगला क्वेश्चन, उस व्यक्ति को पहचानिए जिसे 2021 में पद्म विभूषण प्रदान किया गया है। सही आंसर हो जाएगा चौथा वाला ऑप्शन। उस व्यक्ति का नाम है सुदर्शन साहू, इन्हें 2021 में पद्म विभूषण प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वर्तमान 10+2 प्रणाली प्रस्तापित होगी। सही आंसर हो जाएगा तीसरा वाला ऑप्शन, 5+3+3+4 प्रणाली में। अगला क्वेश्चन, ODOP का अर्थ क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा तीसरा वाला ऑप्शन। ODOP का अर्थ होता है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। अगला क्वेश्चन, भारत ने 20 जनवरी 2021 को अनुदान सहायता के तहत 6 देशों को COVID-19 टीकों की आपूर्ति शुरू की, निम्नलिखित में से कौन सा देश उस सूची में शामिल नहीं है? सही आंसर हो जाएगा चौथा वाला ऑप्शन, अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 2014 में सिग्नल ऐप विकसित किया? तो सही आंसर हो जाएगा तीसरा वाला ऑप्शन, मॉक्सी मर्लिन स्पाइक ने वर्ष 2014 में सिग्नल ऐप विकसित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान के बारे में कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है? तो सही आंसर हो जाएगा दूसरा वाला ऑप्शन। उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान को 2004 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड दिया गया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, डेजर्ट नाइक 21 क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा दूसरा वाला ऑप्शन, डेजर्ट नाइक 21 है भारत एवं फ्रांस के मध्य संयुक्त युद्धावास। अगला क्वेश्चन, कोरोना विषाणु है? सही आंसर हो जाएगा दूसरा वाला ऑप्शन, एक रजुकी RNA विषाणु। अगला क्वेश्चन, जीरो फेल मिशन है? तो जीरो फेल मिशन है पहला वाला जो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह को बिना किसी अनिष्ट के संपन्न कराने का US सीक्रेट सर्विस का एक अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय मूल के व्यक्ति जिन्हें राष्ट्रपति जो बाइडेन की नई टीम ने USA के सर्जन जनरल के रूप में नामांकित किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन, भारतीय मूल के व्यक्ति विवेक मूर्ति जिन्हें राष्ट्रपति जो बाइडेन की नई टीम में USA के सर्जन जनरल के रूप में नामांकित किया गया है। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध हाल ही में संपन्न चतुर्थ टेस्ट मैच जिसे भारत ने जीता में भारत की दूसरी पारी का अंतिम स्कोर क्या था?
सही आंसर हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन, 329 रन 7 विकेट। अगला क्वेश्चन, 11 जनवरी 2021 को जैव विविधता के लिए वन प्लैनेट समिट आयोजित किया गया था। सही आंसर हो जाएगा दूसरा वाला ऑप्शन, 11 जनवरी 2021 को जैव विविधता के लिए वन प्लैनेट समिट आयोजित किया गया था पेरिस में। अगला क्वेश्चन, सर्व खलविंद ब्रह्मा उद्गत हैं। सही आंसर हो जाएगा चौथा वाला ऑप्शन, सर्व खलविंद ब्रह्मा उद्गत हैं छांदोई उपनिषद में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुट्टी अष्टम के बारे में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर चुनिए। तो सही आंसर हो जाएगा चौथा वाला ऑप्शन, ए बी। यह केरल की एक नाट्य कला है, यह यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन, हुमायूं के मकबरे के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कूट का चयन कीजिए। सही आंसर हो जाएगा चौथा वाला ऑप्शन, ए यह चार बाग शैली के बगीचे के मध्य अवस्थित है, बी लाल बलुआ पत्थर मकबरे की मुख्य निर्माण वस्तु है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कजरी गीत है। सो गाइस, कजरी गीत है, सही आंसर हो जाएगा तीसरा वाला ऑप्शन, उत्तर प्रदेश के वर्षा गीत। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा का प्रसिद्ध पुरुष गढ़ निर्मित है। सही आंसर हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन, हड़प्पा का प्रसिद्ध पुरुष गढ़ निर्मित है पाषाण। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा, सुभाष चंद्र बोस के बारे में अतुलित कथनों पर विचार कीजिए, सही आंसर हो जाएगा चौथा वाला ऑप्शन, ये है उनको 2024 में कलकत्ता नगर निगम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया था, बी है वे 1930 में कलकत्ता नगर निगम के मेयर चुने गए। अगला क्वेश्चन है कि गाइस की पुरातात्विक स्थल बागोर ये कहाँ अवस्थित है। सही आंसर हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन, पुरातात्विक स्थल बागोर लूणी नदी पर स्थित है। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, कछावा राजवंश के अधोलिखित शासकों को काल क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। 99 है, लास्ट नहीं रहेगा। पहला वाला जो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा, भगवंत दास, मानसिंह फर्स्ट, भाव सिंह, जय सिंह फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युक्म सही नहीं है। सही आंसर हो जाएगा तीसरा वाला ऑप्शन, नाना साहिब मुंगरे।